शिकार तो सभी करते हैं, पर टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, किसी का भाई किसी की जान का फर्स्ट सॉन्ग नहीं हो लगता आज रिलीज कर दी गई है। पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मेकर्स है यार, इनसे मैं ना बहुत नाराज हूँ। इसकी नाराजगी की वजह पता क्या? अरे यार, कम से कम दिन में आप लोग सॉन्ग रिलीज करते हैं, आधी रात को सॉन्ग रिलीज कर रहे हो यार। खैर, जो भी हो, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। दोस्तों, सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग को गाया है कमाल खान और पलक मुच्छल ने, म्यूजिक दिए है हिमेश रेशमिया ने। दोस्तों, तो गाइस कहीं ना कहीं ये सॉन्ग मेरे को सुनने के बाद मैं एक ही वर्ड बोलूँगा इस सॉन्ग के बारे में, मास्टरपीस, माइंड ब्लोइंग। सलमान खान एक और चार्टबस्टर। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे धुआं धुआं होने वाला है व्यूज से भी और लाइक्स से भी, क्योंकि सलमान भाई का लुक की तारीफ करूंगा मैं पहले। अरे यार, जैसे ही उनकी एंट्री होती है ना भाई, जब बाइक से आते हैं वो, उसके बाद वो उतरते हैं, फिर उनकी जो हेयर, जो बाल हवा में उड़ता है ना, उसके बाद जो ऐसे घूमते हैं ना यार, गोगल लगा के, लड़कियां ना वहीं पे गिर गई। हम तो गिर गए ही, लड़कियां भी गिर गई, सच्ची बोल रहा हूँ। सुपम, लड़कियां तो प्यार करती ही हैं सलमान भाई से, लेकिन हमें भी प्यार हो गया भाई से यार, ये लुक देख के। और पूजा हेगड़े, ओ माय गॉड, क्या दिख रही है भाई, पूरी की पूरी बवाल दिख रही है। लोगों का कहना कि पूजा हेगड़े है तो यार कहीं मूवी फिट ना जाए, क्योंकि लगातार फ्लॉप दी है पूजा हेगड़े। देख लो अभी उनका जितनी भी पिछली फिल्में लगातार फ्लॉप हुई है, लेकिन लोगों का कहना कि यार ये भी फ्लॉप ना जाए। तो आपको बता दूं ना कि सलमान भाई की जब मूवी होती है ना, उसमें हीरोइन को कोई पूछता भी नहीं है, सिर्फ फोकस ना सलमान भाई पे रहता है। सलमान खान एक ऐसा बंदा, ब्रांड, बॉलीवुड का ब्रांड है वो। सलमान खान नाम ही काफ़ी है मूवी को हिट कराने के लिए। सबूत के तौर पर पठान देख लो, उसमें टाइगर नहीं होते तो पठान का क्या होता है यार, भगवान यार, गॉड अल्लाह ही जाने यार क्या होता। खैर, जो भी है दोस्तों, सॉन्ग सुपर है, मज़ा आ गया, म्यूजिक चार चांद लगा दिया हिमेश रेशमिया। और हिमेश रेशमिया एक ऐसा बंदा ना भाई कि उनके ऊपर कोई डाउटफुल होता ही नहीं है, क्योंकि जिस मूवी में उनका म्यूजिक होती है ना, मास्टरपीस होती है और वो मूवी चलती है। देख लो उनके जितने भी मूवी, फाड़ देती है बंदा पूरा का पूरा म्यूजिक डाल के। तो दोस्तों, बिग बॉस के मंच पे ये सॉन्ग को रिलीज़ किया गया, मज़ा आ गया सॉन्ग सुनने के बाद। अब वेटिंग करते हैं इसका ट्रेलर का। इसका टीजर तो आ गया था, लेकिन इसका मेरे को लगा था कि ट्रेलर आएगा उससे पहले सॉन्ग आ गया। चलो अच्छी बात है, ट्रेलर से पहले सॉन्ग देखने को मिल रहा है तो मज़ा आ गया। दोस्तों, अभी ना ईद का इंतजार है, 21 अप्रैल को ईद है दोस्तों, और ईद के मौके पर रिलीज हो रहा है। 2009 से लगातार सलमान भाई ईद पर आ रहे हैं, और कभी भी वो ईद पर जब भी आए ना, धमाका ही किया है। इस बार भी वो धमाका करेंगे, क्योंकि सलमान खान से भी हमें उम्मीद है कि वो बहुत बड़ा कमबैक देंगे, क्योंकि शाहरुख खान यार फाड़ दिया बॉक्स ऑफिस, अब नंबर है सलमान खान का। तो दोस्तों, हमें इंतजार रहेगा ईद का, और ईद से पहले इंतजार रहेगा ट्रेलर का दोस्तों। तो बस भाई इतना ही। अगर सॉन्ग की रेटिंग की बात करें तो मैं इस सॉन्ग को दूंगा 5 out of 5। जी हाँ दोस्तों, मेरे को इतना मज़ा आ गया सलमान भाई का लुक देख के कि मैं एक भी रेट नहीं काटूंगा, एक भी स्टार नहीं काटने वाला, पूरा का पूरा 5 दूंगा। अगर मेरा बस चले तो यार पूरा आसमान भी दे दूँ। खैर, अभी फिलहाल के लिए 5 बस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का घंटा है वो भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।